इसीलिए मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि ऐसा क्या हो जाता है कि जानवर इनसे इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं? बोलिए शंकर भगवान की। जानवरों को जिस दिन आप लोग मारना छोड़ देंगे उस दिन दुनिया के सबसे बड़े राजा आदमी आप लोग बन जाएंगे। अपने 5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, चल बधाई दे भाई, बधाई दे, देर से चिल्ला के देर से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि इंसान इस समय हैवान हो चुका है, लेकिन गलत है। आज हम ऐसे इंसान से आप लोगों से मिलवाने वाले हैं जो कि जानवर से इनको बहुत ही ज्यादा प्यार है। ये ऐसे शख्स हैं जो जानवर से प्यार करते हैं। इनकी एक आवाज पे कौवा हुआ, चिड़िया हुई या कुत्ता हुआ, कोई भी जानवर है वो आसानी से इनके पास आ जाता है। आइए इनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच बड़े भाई। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार बिंद, मैं केवट हूँ। अच्छा, तो कैसे आपको प्यार हो जाता है जानवरों से? क्योंकि इस दुनिया में अगर देखा जाए तो जो इंसान है जानवरों को मार कर खा रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे, मतलब ये सब हो जाता है और कैसे आपको जानवरों से प्यार हो जाता है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं कुदरत की देन है। अच्छा, कुदरत ने हमें पैदा किया, कुदरत ने इनको भी पैदा किया जी। तो सबको जीने का हक है, इसीलिए मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मेरे यहाँ मम्मी पापा ही बोलते हैं किसी जानवर के ऊपर रहम करो और उसको मारो पीटो ना, क्योंकि वो दुनिया में गया है, उसे भी जीने का हक है। जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी जी, सबको बराबर जीने का हक है। कई तरीके के लोग हैं। अभी मैं भी बहुत पहले कमीना था, छोटा था, तो बचपन में एक बार आपने बताया था कि मैं बताना चाहूंगा कि ये भी एक हैवान ही थे, समझ लीजिए। ये ऑफ कैमरे पे हमको बता रहे थे कि मैं पहले जानवरों को इतना मारता था कि वो हमसे भागते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जानवर इनसे इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं? क्या ऐसे आपने किया? मम्मी मेरी एक दिन बताते उसके सामने एक कुत्ते को मैंने मार दिया, तो उसको थोड़ा ज्यादा चोट लग गया तो वो गिर गया। तो मम्मी को जो है थोड़ा बुरा लगा, तो वो बोली कि अगर आज के बाद ऐसा किया तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो उसी दिन से मतलब मेरे सर पे मतलब पता नहीं क्या हो गया, मैं उसी दिन से कुत्तों को मारना छोड़ दिया। कुत्तों को क्या, मैं सभी जो कभी सांप हो जाता है, बिच्छू वगैरह, जब गोटा वगैरह जो बिस्कोपड़ा वगैरह जो होते हैं जी जी। मैं सबको घर में देखता हूँ तो उसको पकड़ के रेस्क्यू कर देता हूँ, ले जाके मारता। अच्छा, नहीं तो डर और नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता, ऊपर वाला सांप। तो ये सब जैसे आप बस कहीं पे सीखे उखे हैं कि कैसे? सीखा कहीं पे नहीं हूँ, बस टेलीविजन इंटरनेट। अच्छा जी, तो आज क्या दिखाने वाले हैं? क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ। जो भी करेंगे, चाहे ये किसी भी जानवर को बुलाएंगे, चाहे ये उड़ता हुआ कौवा हुआ या मोर की आवाज भी आप बोल लेते हैं, बहुत सारे टैलेंट भी है इनके अंदर, तो सारा मैं लाइव आप लोगों को दिखाने वाले हूँ। तो क्या सबसे पहले क्या मतलब दिखाना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, फिलहाल यहाँ पे तो अभी उतना दिख नहीं रहा है, दोपहर का समय है। हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे टॉमी को। अच्छा, टॉमी आजा, बुलाइए भाई टॉमी। देखिए अभी वहाँ टहल रहा है, देखिए टॉमी आ गया है। अब टॉमी को लेकर आ गए हैं भाई साहब की। अच्छा, क्या बताऊं, हमेशा मेरे से गुस्सा रहता है। क्यों भाई, क्यों गुस्से में हो? हमेशा गुस्सा में, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। तो जैसे कि शाम को, जैसे कि मैं बैठता हूँ खाने के लिए, अगर दूसरा कुत्ता आ गया, अगर उसको दे दिया खाना, इसको मतलब कि इसको भी देता हूँ, अगर उसको दे दिया तो ये गुस्सा हो गया समझो। अच्छा, मतलब इनको भर सिर्फ चाहिए, उसको नहीं चाहिए, सिर्फ इनको भर चाहिए। चलिए, अच्छा टैलेंट वो जो है, क्या कह रहे थे, थोड़ा सा लाइव दिखा दीजिए ऑडियंस को, क्योंकि बहुत इसको मैं बुलाता हूँ, मेरे साथ में बोलता है। अच्छा जी टॉमी, तो देखिए आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, और क्योंकि भाई जानवर है, इनका भी एक मूड होता है। और फिलहाल में देखते हैं राजू भाई क्या इसको भाई लोग शूटिंग करने हैं, थोड़ा सा बोल दो। ये जो कुत्ता है ये शायद इनका नहीं है, है कि नहीं? मेरा नहीं है, चाचा का है। अच्छा, तो कैसे इसको मतलब आप अपने अंडर में कर लिए हैं, कैसे ये सब होता है? ऐसे ही ना, पहले से देखियो, छोटे से तभी से मतलब मैं डॉग मस्ती करता था। अच्छा, तो अभी जब बड़ा हुआ, जब मेरे को मम्मी ने बताया कि जानवरों के ऊपर रहम करो, उनको मारो पीटो मत, तो ज्यादा लगाव हो गया। कुत्तों से तो बहुत ज्यादा लगाव है मेरा।
अच्छा कहीं पर भी मैं कुत्तों से अभी उड़ाया गया था हाल ही में। अच्छा ये भी नहीं, मैं देखता हूँ आपका वीडियो इनका फेसबुक पे है, फेसबुक पे इनका पेज है, और ये कहीं भी जाते हैं कोई भी कुत्ता है इनका फैन बन जाता है, बहुत बड़ा फैन बन जाता है। बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है मैंने अपने प्रोफाइल पे, और बहुत सारे कुत्ते उसमें कई तरीके के कुत्ते हैं। जहाँ जहाँ दूर दूर जाता हूँ तो बहुत कुत्ते हैं, सबको मस्ती करता हूँ उनके साथ वीडियो बनाता हूँ। अच्छा काटते उड़ते नहीं आपको? नहीं हमको नहीं काटते। गजब है। अच्छा और जैसे आप चिड़ियों को भी बुला लेते हैं तो कुछ ऐसा कुछ दिखाएंगे जो कि हो पाए? बुला सकते हैं चिड़िया को, चलिए रेडी करते हैं, चलिए लाइव आप लोग कौवे को देखिए, कौवे को अभी बुलाते हैं। क्या बात है, बहुत सारे आ गया। देखो सबसे पहले मैं इनसे माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ अभी ये लोग परेशान। अच्छा, जैसे जब ये सब आप करते हैं तो आपको मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, या ये लोग इन लोगों को कैसे आप मतलब बुला लेते हैं कुछ दर्शकों, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, ये सब कैसे कर लेते हैं? देखिए मुझे करने का कोई सब, मैं डांसिंग करता था और कुछ टाइम। अच्छा डांस भी करते हैं आप? मैं और कुछ टाइम में हर तरीके का डांस करता हूँ, ब्रेक, हिप हॉप, रोबोट, क्लासिकल, सोलो, सब कुछ करता हूँ। मैं गया था कार्यक्रम में डांस करने के लिए, वहाँ पर जो मिमिक्री जो अनाउंसर होता है वो कहीं पे शायद मदिरा अदरक का सेवन करके कहीं पे सो गया। अच्छा तो वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा मालिक था बोला यार कोई बोलने वाला है नहीं, थोड़ा सा आप हेलो हाय कर दो नहीं तो सुबह पैसा कट जाएगा। मैंने माइक्रोफोन लिया, फिर वहां से धीरे धीरे मतलब वहां से मैंने बोला तो मजाक में मैंने मुर्गी की आवाज निकाल दी। अच्छा तो लोगों ने बहुत अच्छा ताली बजा, सब लोग मस्त हो गए। मैं बोला यार लगता है सच में अच्छा लग रहा है क्या। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब छोटी मोटी आवाजें जो है, कुत्ते का आवाज, मुर्गी का आवाज, मच्छर की आवाज और अदर्स वॉइस है जानवरों के, एनिमल्स के, जो निकालने लगा धीरे 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 करके मेरे को आवाज आ गया। आज भी लोग पूछते हैं कैसे आया, तो मुझे भी नहीं मालूम कैसे आया, बस धीरे धीरे करके आ गया। अभी एक मैंने आपका देखा था कि जैसे पिल्ला दब जाता है तो वो कैसे चिल्लाने लगता है, ये थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा सुना दीजिए। ओ पिल्ले की जो चोट, जिसको चोट लगने के बाद उसे चिल्लाने के बाद ये पिल्ले के रोने की आवाज। राजू भाई बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी देखा जाए तो जानवरों को मारते हैं और मार करके कहीं ना कहीं। नहीं, जानवरों को मत मारा करो, जानवर देखिए अगर इस प्रकार से देखा जाएगा, जानवरों को जिस दिन आप लोग मारना छोड़ देंगे उस दिन दुनिया के सबसे बड़े राजा आदमी आप लोग बन जाओगे, क्योंकि जानवर भगवान की बनाई हुई वो चीज है जिसे हम लोग नहीं तोल सकते किसी भी कीमत पे, उसको नहीं हम लोग कुछ अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। वो एक प्रकार से देखा जाए तो जानवर भगवान के रूप होते हैं, उनको मारो मत, अगर खिलाने की औकात नहीं है तो उनको मारो भी मत, जहां से जहां तक हो सके जानवर पे दया करिए, उनको पालिए पोसिए अच्छे से, दो रोटी दीजिए खाने के लिए, आप भी खाइए उनको भी खिलाइए, कहीं भी मुसीबत आपको कहीं भी नहीं कभी भी नहीं आएगी। बिल्कुल, और बाकी हम इनका पेज का लिंक दे देंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग जाके इनको सपोर्ट करिए, उनका देखिए कंटेंट ये किस तरीके का वीडियोस बनाते हैं और कैसे इस समय देखा जाए तो सोशल मीडिया पे पूरा तबाही मचाए हुए हैं। दोस्तों अभी हम पूरे घनघोर जंगल में आ चुके हैं और अभी थोड़ा सा मच्छर की आवाज सुनेंगे, क्योंकि मच्छर की आवाज सुनने के लिए बहुत शांति माहौल चाहिए, तो उसी जगह पे आ गए हम लोग, तो मच्छर की आवाज जो है थोड़ा सुनाइए। मच्छर की आवाज मैं दो तरीके की सुनाऊंगा। देखिए यहाँ से 1.5 फीट की दूरी है, आने के बाद जाने के बाद सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसे वो 1.5 फीट की दूरी पे आता है, 1 फीट या 1.5 फीट, तो उसकी आवाज हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती है, जैसे नजदीकी उसकी बढ़ती आवाज तेज होती है, हो जाती है, फिर जाने की आवाज सुनाऊंगा। ठीक है, देखिए मच्छर यहाँ से निकल आ रहा है। आने की जाने को। चलिए ये था राजू भाई का टैलेंट, और आप लोगों ने देखा कि कैसे ये जानवरों को अपना इतना ज्यादा प्यार दिया कि जानवर जो है इनसे प्यार करने लगते हैं, और ये भी जानवरों को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, काफी ज्यादा सम्मान उनका करते हैं, और जानवर भी इनको भर भर के प्यार देते हैं। ऐसे भी दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि जानवरों को मारते हैं, तो मेरा से भी सजेशन यही है कि आप लोग जानवरों से प्यार करिए, क्योंकि अगर जानवर हैं
तो इंसान का भी जो जिंदगी है वो संभव है, नहीं तो इंसान की जिंदगी जो है वो खतरे में है। फिलहाल मैं इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और राजू भाई के इस टैलेंट को लेकर क्या कहना है एक बार आप जरूर कमेंट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हो गया।